नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनका आज तक रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ कहा जाता है कि रात को रुकने वाला हर इंसान पत्थर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर रात में रुकने वाला इंसान पत्थर बन जाता है। ये राजस्थान का किराडू मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद यहाँ ठहरने वाले लोग पत्थर के बन जाते हैं। क्यों रहस्यमय माना जाता है इस मंदिर को? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर को रहस्यमय क्यों माना जाता है। इसके पीछे एक साधु का श्राप माना जाता है। कहा जाता है कि सालों पहले किराडू में एक तपस्वी पधारे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों को गाँव में छोड़कर भ्रमण पर चले गए। इस बीच शिष्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। तपस्वी ने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को श्राप दे दिया कि सब पत्थर के हो जाओ। पूरे गांव में केवल एक ही महिला थी जिसने शिष्यों की मदद की थी। तपस्वी ने उस पर दया करते हुए कहा कि तुम गांव से चली जाओ, पर मुंह मुड़कर मत देखना। महिला पीछे मुड़कर देखने लगी और वह भी पत्थर की बन गई। उस महिला की मूर्ति मंदिर से कुछ दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। किराडू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराडू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि ये जगह पिछले 900 सालों से वीरान है। आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती है, पर शाम होते ही ये जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान के इतिहासकारों की माने तो किराडू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराडू पर परमार वंश का राज था, ये शहर वीरान हो जाता है। पाए कहते हैं कि यह रहस्यमय मंदिर उन्हीं में से है एक, जिसमें कहा जाता है कि ये मंदिर, इसका निर्माण, किराडू के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसकी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहां पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, पर उन पर भी इनके निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ बदी 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमारपाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। तीसरा विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशाल राज और उनके वंशजों ने किया था। भूकंप और सदियों से वीरान होने के कारण हुआ ये। किराडू में किसी समय 5 भव्य मंदिर की एक श्रृंखला थी, पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए भूकंप से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूसरा सदियों से वीरान रहने के कारण इनका ठीक ठाक से रखरखाव भी नहीं हो पाया। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और सोमेश्वर मंदिर को इस कला के उत्कर्ष का अंत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।